हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल. दिस इज प्रोफेसर आसिफ कुरैशी एंड यू आर वाचिंग डॉक्टर आसिफ लेक्चर्स. आज हम बात करेंगे अपर लिम बीडी 84 की बुक हम डिस्कस कर रहे हैं रीजनल एनाटॉमी की. और आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूं अपर लिम की बोन्स यानी ऑस्टियोलॉजी का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं. अपर लिम्स में काफी सारी बोन्स हैं और इनफैक्ट जो आपके बॉडी में टोटल 206 बोन्स बताई जाती हैं उसमें से 64 बोन्स आपके अपर लिम में है. यानी एक लिम के अंदर वन लिम कंटेन्स अराउंड 32 बोन्स. सो ये 32 बोन्स के बारे में पढ़ना है जिसमें से आज की वीडियो में हम पहली बोन डिस्कस करेंगे जिसका नाम है क्लेविकल. लेकिन ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है और ये काइंड ऑफ सेटिस्फैक्टरी पैराग्राफ है कि आपको कम पढ़ाई करनी है और ज्यादा आप सीख लेंगे. फॉर एग्जांपल यहां ये बताया जा रहा है कि अगर आप एक लिम की 32 बोन्स मास्टर कर लेते हैं तो ऑब्वियसली दूसरा लिम्ब आपने ऑटोमेटिकली पढ़ लिया. इसी तरह लोअर लिम्ब एक पढ़ लेते हैं तो आपने दूसरा लोअर लिम्ब पढ़ लिया. सो यूजुअली आपने 50% ऑफ द बॉडी समझनी है और बाकी 50% खुद ब खुद मास्टर हो जाती है विद सम एक्सेप्शंस. लेकिन कुल मिला के बात यही है. ठीक है, तो बहुत सारी जो बोन्स हैं एक लिम्ब में मैंने आपको बताया कितनी बोन्स हैं टोटल 32 बोन्स. उसमें से हम आज पहली बोन डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्लेविकल. ठीक है, तो क्लेविकल जो है इट्स अ लैटिन वर्ड क्लेविकल. इसकी मीनिंग है स्मॉल की, छोटी सी चाबी. ठीक है, बट इट्स अ लॉन्ग बोन, ये बात आपको याद रखनी है. एंड इट सपोर्ट्स द शोल्डर सो दैट द आर्म कैन स्विंग क्लियरली अवे फ्रॉम द ट्रंक. द क्लेविकल ट्रांसमिट्स द वेट ऑफ द लिम्ब टू द स्टर्नम. क्लेविकल होती कहां है? अगर मैं लिम्ब बनाऊं यहां पे, सो दिस फॉर एग्जांपल इज द स्टर्नम जो हमारी सेंट्रल बोन है. तो क्लेविकल is this, it's here, it's also called the collar bone of your body. ठीक है ना, तो ये आपकी neck के नीचे जो beauty bone भी इसे कहते हैं, collar bone भी कहते हैं. तो ये medial side पे connect होती है sternum के साथ और first rib के साथ भी, और lateral side पे ये बनाती है shoulder joint और फिर यहाँ चल रहा होता है आपका upper limb. So upper limb का जो भी weight ऊपर travel करता है वो transmit होता है to the sternum via clavicle. ठीक है, तो ये जो clavicle यहाँ पे bone होती है this is the collar bone या clavicle. Okay? Now, अब जो बोन्स जब भी हम पढ़ते हैं ऑस्टियोलॉजी का टॉपिक तो इसमें इंपॉर्टेंट होती हैं कुछ चीजें कि आपको उस बोन के फीचर्स पता हो कि उसमें कहाँ कहाँ कोई अगर कर्व्स हैं या कोई ग्रूव्स हैं वो कौन कौन से हैं, सरफेसेस कौन कौन सी हैं, सुपीरियर है, इंफीरियर है, मीडियल साइड पे किससे कनेक्ट हो रही है, लेटरल साइड पे किससे कनेक्ट हो रही है. सो देर आर सम फीचर्स दैट यू मस्ट रिमेंबर. ठीक है, और उसमें से इन फीचर्स में से सबसे पहला जो फीचर इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है वो है साइड डिटर्मिनेशन. यानी अगर आपके सामने दो क्लेविकल्स रख दी जाएं, दो क्लेविकल्स होती हैं, स्टर्नम है, एक इस साइड पे क्लेविकल होगी राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे. सो राइट साइड एंड लेफ्ट साइड. ओके, तो इन दोनों को आपको अगर पहचानने को दिया जाए कि बॉस क्लेविकल पहचानो ये राइट साइड की क्लेविकल है या लेफ्ट साइड की क्लेविकल है, तो कुछ फीचर्स हैं जो आपको अगर समझ में आ जाए तो आप मिस्टेक नहीं करोगे ये पहचानने में कि क्लेविकल राइट साइड की है लेफ्ट साइड की. एग्जाम में अक्सर लोग ये करते हैं एग्जामिनर्स कि क्लेविकल थमा देते हैं और कहते हैं कि बताएं ये राइट साइड की क्लेविकल है या लेफ्ट साइड की. तो ये फीचर्स जो अभी ये यहां पे 3-4 फीचर्स दिए ना, ये अगर आपको याद हो गए तो आप साइड बता दोगे क्लेविकल का. नाउ लेटरल एंड ऑफ द क्लेविकल इज फ्लैट एंड द मीडियल एंड इज लार्ज एंड क्वाड्रिलेटरल. अब सुनो ये बात, देखो अगर ये स्टर्नम है और यहां से यूं क्लेविकल ट्रेवल कर रही है, सो क्लेविकल का ये वाला जो पोर्शन है जो स्टर्नम की तरफ है ये होगा मीडियल एंड, और जो आपका शोल्डर ज्वाइंट बना रहा है जो शोल्डर की तरफ है ये वाला एंड कौन सा एंड होगा? लेटरल एंड. सो लेटरल साइड से जो क्लेविकल है इट इज अ फ्लैट स्ट्रक्चर. अच्छा, फ्लैट स्ट्रक्चर है, चपटा स्ट्रक्चर है, तो इसकी एक सुपीरियर सर्फेस होगी और एक इंफीरियर सर्फेस होगी. ठीक है, और चूंकि ये फ्लैट है तो इसका एक बॉर्डर सामने की तरफ होगा, एंटीरियर बॉर्डर, एक बॉर्डर पीछे की तरफ होगा. सो जो इसका फ्लैट पोर्शन है वो लेटरल पोर्शन होगा, और जो इसका क्वाड्रेंगुलर पोर्शन है, थोड़ा सा मोटा पोर्शन है, चार सर्फेसिस वाला पोर्शन है, वो मीडियल पोर्शन होगा. यानी अगर क्लेविकल आपके सामने किसी ने यूं रखी हुई है कि ये है इसका फ्लैट पोर्शन और यहां जाके ये क्वाड्रेंगुलर हो जाता है इस तरीके से, सो आपको पता होना चाहिए कि दिस इज द मीडियल पोर्शन और मीडियल साइड पे ये जाके कनेक्ट करेगी स्टर्नम के साथ, तो डेफिनेटली ये कौन सी क्लेविकल होगी? राइट साइड की. अगर ये उल्टी पड़ी हुई है तो आप इसको कहेंगे कि लेफ्ट साइड की है. सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन डिटरमिनिंग द साइड इज कि इट इज फ्लैट ऑन द लेटरल साइड एंड राउंडेड, नॉट राउंडेड एग्जैक्टली बट क्वाड्रिलेटरल सरफेस, चार सरफेसेस होती हैं ऑन द मीडियल साइड. एक बात दूसरी, इसका जो शाफ्ट है ये लॉन्ग बोन जरूर है लेकिन ये स्ट्रेट लॉन्ग बोन नहीं है, ये कर्व्ड है. अच्छा, कर्वेचर का भी स्पेशल पैटर्न है. इट इज कॉन्वेक्स फॉरवर्ड्स इन द मीडियल टू थर्ड
एंड कॉनकेव फॉरवर्ड्स इन द लेटरल, यानी अगर सामने से एक बंदा खड़ा हुआ है, सपोज देयर इज अ पर्सन स्टैंडिंग हियर और ये उसकी सेंट्रल बोन है स्टर्नम, तो ये आपको याद रखना है कि जो क्लेविकल है वो मीडियल साइड पे कॉन्वेक्स होती है और लेटरल साइड पे कॉनकेव होती है, इस तरह से. सो अगर ये भी फीचर आपको पता है, एक फीचर आपको मैंने क्या बताया, लेटरल साइड कैसा होता है फ्लैट, फिर ये बताया कि लेटरल साइड कैसा होता है कॉनकेव, यानी यहां पे गढ़ा दिखेगा और यहां, या आप हाथ लगा के चेक भी कर सकते हो यार अपनी क्लेविकल को, अपनी क्लेविकल को यहां से स्टर्नम के पास से ये नेक है ना, सो नेक के बीच में से यहां से हाथ लगाना शुरू करो तो मीडियल साइड पे कॉन्वेक्स होगी बाहर की तरफ और लेटरल साइड पे कॉनकेव होगी अंदर की तरफ, ठीक है. इससे भी आपको साइड का पता लग सकता है कि लेफ्ट है या राइट है. नाउ द इंफीरियर सरफेस इज ग्रूव्ड लॉन्गिट्यूडिनली इन द मिडल वन थर्ड. मिडल वन थर्ड को अगर उल्टा करके देखेंगे, यानी ऊपर वाली सरफेस नहीं नीचे वाली सरफेस देख रहा हूं मैं यहां से इंफीरियर सरफेस, तो उसमें एक ग्रूव, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव नजर आएगा, यानी जो ग्रूव नजर आएगा वो इंफीरियर सरफेस है. तो बेसिकली साइड डिटरमाइन करने के लिए आपको यही तो चाहिए होता है कि आप ये बता सको कि लेटरल साइड कौन सा है और मीडियल साइड कौन सा है. लेटरल साइड के लिए आपको दो निशानियां दे दी हैं, एक तो ये कि लेटरल साइड फ्लैट होता है, दूसरा ये कि लेटरल साइड कॉनकेव होता है, ठीक है, सामने से. और फिर आपको ये पता करना आना चाहिए कि सुपीरियर सरफेस कौन सी है और इंफीरियर सरफेस कौन सी है. तो इंफीरियर सरफेस पे यहां पर क्या होगा, ग्रूव होगा, ठीक है. तो अगर ये बात आपको समझ में आती है तो इसका मतलब ये है कि आप क्लेविकल का साइड बता सकते हैं. ये डायग्राम में मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं. देखो अब ये क्लेविकल आपके सामने रखी है ना, इस चार्ट को भूल जाओ जो बराबर में बना हुआ है, सिर्फ क्लेविकल को देखो, जस्ट लुक एट द क्लेविकल. अब मुझे सिर्फ ये बताओ कि ये वाला जो पोर्शन है ये कॉनकेव है ना, दिस इज कॉनकेव पोर्शन, लेटरल पोर्शन है, और ये वाला जो पोर्शन है ये कॉन्वेक्स है, तो ये कौन सा पोर्शन होगा, मीडियल पोर्शन होगा. यानी सबसे पहले तो आपने क्लेविकल को पकड़ के इस तरह रख लेना है कि कॉनकेव जो है वो लेटरल साइड पे चला जाए और कॉन्वेक्स जो है वो मीडियल साइड पे चला जाए. फिर इसकी आइडेंटिफिकेशन ये भी है कि जो लेटरल सरफेस है वो फ्लैट होगी, जो फ्लैट होगी तो इसका ये होगा सुपीरियर सरफेस, और ये नीचे जो हमें नहीं नजर आ रही, उल्टा करेंगे इसको तो नजर आएगी, वो होगा इंफीरियर सरफेस, ठीक है. तो ये पता लग गया कि दिस इज द लेटरल साइड, और ये चूंकि ये क्वाड्रेंगुलर है इसकी चार सरफेसेस होंगी, तो ये मीडियल साइड हो गया. तो लेटरल साइड डिटरमाइन कर लिया और मीडियल साइड डिटरमाइन कर लिया. अब सुपीरियर और इंफीरियर कैसे पता चलेगा, देखो इंफीरियर साइड पे ये ग्रूव होता है. ये मैंने ना क्या किया हुआ यहां पे इस डायग्राम में कि इसी क्लेविकल को ऐसे समझो उल्टा कर लिया, यहां से कोने से पकड़ा, यहां से उसको पकड़ के इस जगह से पकड़ के इसको रिवर्स उल्टा कर दिया, तो नीचे से दिख रहा है ये ग्रूव, तो चूंकि ये ग्रूव नीचे दिख रहा है तो ये इंफीरियर सरफेस हो गई. सो दिस इज द इंफीरियर सरफेस, और इसको वापस इस पोजीशन में ले आए तो दिस इज द सुपीरियर सरफेस, ठीक है. अब मुझे बताओ ये मिडिल साइड हो गया, ये लेटरल साइड हो गया, ये सुपीरियर सरफेस हो गई और नीचे वाली इंफीरियर सरफेस हो गई. मुझे ये बताओ ये राइट साइड की क्लेविकल है या लेफ्ट साइड की क्लेविकल है. सोचो, इमेजिन करो बंदा खड़ा हुआ है, बंदा खड़ा हुआ है तो यहां पे उसकी स्टर्नम होगी ना, तो बंदा आपकी तरफ खड़ा हुआ है तो ये ऑब्वियसली राइट साइड की क्लेविकल है, ओके. तो इस तरह से आप इसका साइड डिटरमाइन करते हैं. और ये देखिए यहां पे बताया हुआ भी है कि पोस्टीरियर एंड एंटीरियर बॉर्डर्स हैं बेसिकली मीडियल एंड लेटरल, दिस इज द मीडियल एरिया, दिस इज द लेटरल एरिया, ठीक है. इसी तरह यहां पे ये बताया हुआ है कि जी इसको सबक्लेवियन ग्रूव है तो ये इंफीरियर सरफेस है. ये मैंने आपको समझा दी बात. तो ये बातें अगर आपकी समझ में आ गई तो बेसिकली आप साइड डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है. अच्छा, अब पिक्युलैरिटीज ऑफ क्लेविकल का मतलब है क्लेविकल की क्या खास बातें हैं. इट इज द ओनली लॉन्ग बोन विच इज प्रेजेंट हॉरिजॉन्टली. बाकी जितनी भी आपकी लॉन्ग बोन्स हैं उनको अगर आप एनालाइज करें तो वो वर्टिकली होती हैं. जैसे कि ह्यूमरस है, ह्यूमरस लॉन्ग बोन है और वर्टिकल होती है. इसी तरह लेग्स में, लोअर लिम में होती है फीमर, इट्स अ लॉन्ग बोन, और बहुत सारी लॉन्ग बोन्स हैं जो वर्टिकल होती हैं, लेकिन ये लॉन्ग बोन होती है हॉरिजॉन्टल, ठीक है. अच्छा, इट इज सबकुटेनियस थ्रू आउट. कॉलर बोन है, इसको आप हाथ लगा के फील भी कर सकते हैं, ब्यूटी बोन भी कहते हैं इसको, और ये बिल्कुल स्किन के नीचे होती है, इसके ऊपर कोई मसल वगैरह नहीं है, ठीक है. इट इज द फर्स्ट बोन टू स्टार्ट ऑसिफिकेशन, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद रखना है. इट इज द ओनली लॉन्ग बोन जिसका मेजॉरिटी पार्ट जो है ऑसिफाइज इन द मेम्ब्रेन, ठीक है. इट्स नॉट अ कॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन, इट्स मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन. जनरल एनाटॉमी में ये पढ़ाया था, वो वीडियो दोबारा से देख लीजिएगा कि समझने के लिए कि व्हाट इज मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन. इट इज द ओनली लॉन्ग बोन विच हैज टू प्राइमरी सेंटर्स ऑफ ऑसिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट बात है. बाकी ज्यादातर लॉन्ग बोन्स जितनी भी हैं उनका एक सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन होता है, लेकिन इसके दो प्राइमरी सेंटर्स फॉर ऑसिफिकेशन होते हैं. इसमें कोई मेडुलरी कैविटी नहीं होती, यानी बोन मैरो नहीं होता. इट ओकेजनली स्पीयर्स बाय द मिडल सुप्राक्लेविकुलर नर्व. तो ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं क्लेविकल के हवाले से, याद रखने वाली चीज है. नाउ इट रिसीव्स वेट ऑफ द अपर लिम वाया द लेटरल वन थर्ड थ्रू द कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट and transmits weight of the upper limb to the axial skeleton via the medial two-thirds. अगर ये sternum है और इसके साथ ये clavicle attach हुई हुई है और ये lower limb, नहीं sorry, upper limb attach हुआ है, तो upper limb का weight यहाँ से coracoclavicular ligament के through
ट्रांसमिट होता है वाया द क्लेविकल टू द एक्सियल स्केलेटन, ठीक है, स्टर्नम। तो ये बात सिंपल हो गई। अब इसके फीचर्स देखते हैं कि जो पूरी क्लेविकल है इसके स्ट्रक्चर्स हैं क्या। जो मिडल स्ट्रक्चर है, मैंने बताया था कि अगर ये स्टर्नम है तो मीडियल साइड से इट विल बी कॉन्वेक्स और लेटरल साइड से इट विल बी कॉन्केव। तो ये जो इसका मेजर बॉडी है दिस इज कॉल्ड द शाफ्ट, और ये जो शाफ्ट है ये दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। ऑब्वियसली बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि मीडियल साइड से कॉन्वेक्स है और लेटरल साइड से कॉन्केव है, और यहाँ पे होगी स्टर्नम, ठीक है। तो इसका एक पार्ट है, ये जो पूरा शाफ्ट है, इट इज डिवाइडेड इनटू द मीडियल पोर्शन, और मीडियल जो पोर्शन है इट इज यूजुअली 2/3 ऑफ द टोटल शाफ्ट, और जो लेटरल पोर्शन है इट इज 1/3 ऑफ द टोटल शाफ्ट। अब लेटरल थर्ड के बारे में कुछ बता रहे हैं। लेटरल 1/3 ऑफ द शाफ्ट इज फ्लैटन फ्रॉम अबव डाउनवर्ड, ये मैंने आपको बताया ना, फ्लैट होगा, और मीडियल जो होता है वो क्वाड्रेंगुलर होता है। चूंकि ये फ्लैट होता है तो इसका एक सामने यानी एंटीरियर बॉर्डर बन जाता है और एक पीछे पोस्टीरियर बॉर्डर बन जाता है, और दो सर्फेसिस बन जाती हैं, सुपीरियर सर्फेस और इन्फीरियर सर्फेस। ये बिल्कुल है, कोई भी फ्लैट चीज है ना ऐसी ही होगी। सपोज फॉर एग्जाम्पल आपका मोबाइल है, मोबाइल को ऐसे रखो तो मोबाइल का एक ऊपर सर्फेस होगी सुपीरियर सर्फेस, नीचे वाली सर्फेस होगी इन्फीरियर सर्फेस, एक उसका एंटीरियर बॉर्डर बन जाएगा, एक पोस्टीरियर बॉर्डर बन जाएगा, है ना। कोई भी फ्लैट चीज ऐसी होती है कि उसका एक एंटीरियर बॉर्डर बनता है, एक पोस्टीरियर बॉर्डर बनता है, सुपीरियर सर्फेस बनती है और इन्फीरियर सरफेस बनती है। जबकि और मजीद इसके बारे में जो बात आपको याद रखनी है वो ये कि द सुपीरियर सरफेस इज सबकुटेनियस एंड द इन्फीरियर सरफेस प्रेजेंट्स एन एलिवेशन कॉल्ड द कोनोइड ट्यूबरकल एंड अ रिज कॉल्ड द ट्रेपेजॉइड रिज। अब ये फिर एक बात याद रखनी है जो इन्फीरियर सरफेस पे होती है। इन्फीरियर सरफेस पे ये तो आपको बताया था ना कि एक ग्रूव होता है, सबक्लेवियन ग्रूव कहते हैं उसको। इन्फीरियर सरफेस पे लेटरल साइड पे, दिस इज द लेटरल पोर्शन, एक कोनोइड ट्यूबरकल होता है इस तरह की एक रिज के साथ, दिस इज द रिज जैसे ट्रेपेजॉइड रिज कहते हैं, एक ट्यूबरकल यानी एक दाने की तरह का एक उभार होता है, इसे कहते हैं कोनोइड ट्यूबरकल, ठीक है। तो लेटरल एंड के बारे में ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब मीडियल एंड की बात करें जो कि 2/3 है, इट इज राउंडेड एंड सेट टू हैव 4 सर्फेसेस, एंटीरियर सर्फेस, पोस्टीरियर सर्फेस, सुपीरियर सर्फेस एंड इन्फीरियर सर्फेस, ठीक है। तो ये क्वाड्रेंगुलर टाइप की इसकी सर्फेस एरिया है। नाउ ये सारी बातें, द लेटरल हाफ ऑफ दिस सरफेस हैज अ लॉन्गिट्यूडनल सबक्लेवियन ग्रूव, तो ये बात हम पहले ही कर चुके हैं सबक्लेवियन ग्रूव के बारे में। अब एंड्स की बात हो रही है, ये तो हो गया शाफ्ट, अब तक जो बात आपको बताई वो शाफ्ट के बारे में बताई। दोबारा एक दफा बता रहा हूं कि जो सब क्लेवियन, ये जो हमारी क्लाविकल की बोन है, इसमें इन्फीरियर साइड पे सबक्लेवियन ग्रूव होगा, इन्फीरियर साइड पे लेटरल पोर्शन में एक ट्यूबरकल होगा और एक रिज होगा, और लेटरल एंड फ्लैट होगा, मीडियल एंड की 4 सर्फेसिस होंगी। तो शाफ्ट की ये डिटेल्स आपको समझ में आ गई। अब आइए हम बात करते हैं एंड्स की। लेटरल एंड, लेटरल एंड का दूसरा नाम है एक्रोमियल एंड, ठीक है। एक्रोमियल क्योंकि ये शोल्डर की तरफ है और ये फ्लैट होता है, ये बात अब बार बार मैंने आपको बता दी। इट बेयर्स अ फैसेट दैट आर्टिकुलेट्स विद द एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला। अब ये जो आपकी बोन है क्लाविकल, ये यहां पे एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, जो अगली बोन है जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसके एक्रोमियन प्रोसेस के साथ एक ज्वाइंट बनाता है जिसका नाम है, किस किस के दरमियान ज्वाइंट बनाए, एक्रोमियन और क्लाविकल, तो ज्वाइंट का नाम होगा एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट, सही हो गया। अब जो मीडियल एंड है ना वो स्टर्नम के साथ ज्वाइंट बनाता है, द मीडियल एंड और द स्टर्नल एंड इज क्वाड्रेंगुलर, ये बात हम पहले कर चुके हैं, एंड इट आर्टिकुलेट्स विद द क्लेविकुलर नॉच ऑफ द मेनुब्रम स्टर्नाई टू फॉर्म द स्टर्नो क्लेविकुलर ज्वाइंट। स्टर्नम है तो स्टर्नो, क्लेविकल मिल रहा है तो क्लेविकुलर, स्टर्नो क्लेविकुलर ज्वाइंट, इसका नाम क्या था, एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट, दोनों बोन्स का नाम आ गया, ठीक है। द आर्टिकुलर सर्फेस एक्सटेंड्स ऑल्सो टू द इन्फीरियर एस्पेक्ट टू ज्वाइन विद द फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज, यानी ये जो जहां पे स्टर्नम के साथ क्लेविकल का ज्वाइंट बन रहा है, ये आर्टिकुलर सरफेस फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज के साथ भी जॉइंट बनाते हैं, ओके? तो ये बात समझ में आ गई जनाब। अब इंपॉर्टेंट चीज है अटैचमेंट्स के हवाले से। अटैचमेंट्स किन किन चीजों की होती है किसी भी बोन पर, देखें अटैचमेंट हो सकती है लिगामेंट्स की और अटैचमेंट हो सकती है मसल्स की, तो ये दोनों बातें हमने पढ़नी है और दोनों समझते हैं। एट द लेटरल एंड यानी लेटरल एंड पर, अब मुझे बताओ ये थी अगर स्टर्नम और यहां से ये थी क्लाविकल, तो ये लेटरल एंड था, लेटरल एंड पे ये एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला के साथ इसने ज्वाइंट बनाया था, तो एट द लेटरल एंड क्या बात हो रही है, द मार्जिन ऑफ द आर्टिकुलर सर्फेस फॉर इट्स एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट गिव्स एन अटैचमेंट टू द ज्वाइंट कैप्सूल, यानी जहां ये ज्वाइंट बनता है वहां पे इस बोन पर कैप्सूल अटैच होता है। एट द मीडियल एंड द मार्जिन ऑफ द आर्टिकुलर सरफेस आल्सो गिव्स अटैचमेंट टू अ फाइबरस कैप्सूल एंड आर्टिकुलर डिस्क एंड एन इंटर क्लाविकुलर लिगामेंट सुपीरियरली। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि
यहां पे जो ज्वाइंट बन रहा है उसका भी कैप्सूल अटैच हो रहा है, और यहां पे जो ज्वाइंट बन रहा है उसका भी कैप्सूल अटैच हो रहा है, और एक और इंटर क्लाविकुलर लिगामेंट चलता है दो क्लाविकल्स के बीच में, यानी एक क्लाविकल ये राइट साइड की होगी और एक क्लाविकल ये लेफ्ट साइड की होगी। यहां दोनों के बीच में एक कनेक्शन है जिसको नाम देते हैं इंटर क्लाविकुलर लिगामेंट, और ये दोनों क्लाविकल्स पे अटैच होता है। तो बात हो रही है कि क्लाविकल पे क्या क्या चीजें अटैच होती हैं, तो इस वक्त हम बात कर रहे हैं कि जी कैप्सूल्स अटैच होते हैं लेटरल एंड पे, और कैप्सूल्स अटैच होते हैं मीडियल एंड पे, और क्या चीजें अटैच होती हैं जनाब, मसल्स अटैच होते हैं। अब मुझे जरा ये देख के बताओ ये दोनों डायग्राम, अब मैं आप लोगों से पूछता हूं, ठीक है, ये क्लाविकल बनी हुई है, ये भी क्लाविकल है, ये भी क्लाविकल है, मुझे बताओ बॉस ये कौन सा एंड है, मीडियल है लेटरल, ये मीडियल एंड हो गया, वेरी गुड, और ये कौन सा एंड हो गया, लेटरल एंड हो गया। इस डायग्राम में भी ऐसे ही भाई, ये मीडियल एंड हो गया और ये कौन सा एंड हो गया, लेटरल एंड हो गया। अब मुझे बताओ ये जो सर्फेस यहां नजर आ रही है ये सुपीरियर सर्फेस है या इन्फीरियर सर्फेस है, ये सुपीरियर सर्फेस है बॉस, क्यों, क्योंकि इन्फीरियर सर्फेस में यहां पे बताया था ना कि कॉनोइड ट्यूबरकल होता है और ये रिज होता है, तो दिस इज द इन्फीरियर सर्फेस, और ये ऊपर वाली जो डायग्राम है दिस इज द सुपीरियर सरफेस। अब किसी भी बोन पर मसल्स या तो ओरिजिनेट करते हैं यानी वहां से निकलते हैं यानी वहां पे उनका ओरिजिन होता है, या मसल्स वहां पे इंसर्ट करते हैं यानी मसल्स वहां पे आके लगते हैं। तो यहां पर भी वही सारी बात बताई गई है, डिफरेंट कलर से इसको शो किया गया है, रेड कलर और ब्लू कलर से, ठीक है। अब मैं आपको मसल्स की अटैचमेंट बताता हूं। Now, lateral one third जो है, the anterior border ये मैंने आपको बताया था ना कि जो lateral one third होगा, ये medial one third convex और lateral one third concave, और ये area कैसा area होता है, this is the flat area, और flat area है तो इसके दो borders कौन कौन से होंगे, anterior border और posterior border, तो anterior border पे it gives origin to the deltoid muscle। अब diagram देखते हैं, देखो मुझे बताओ lateral end कौन सा है, ये वाला, इसका एंटीरियर बॉर्डर कौन सा होगा, ये वाला, ये रेड कलर से दिया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि मसल यहां से ओरिजिनेट कर रहा है, मसल यहां से निकल रहा है, ठीक है, और कौन सा मसल निकल रहा है, डेल्टॉइड। तो लेटरल एंड पर ओरिजिन किस चीज की है, एंटीरियर बॉर्डर पर, डेल्टॉइड की, और इंसर्शन किस चीज की है, ट्रेपीजियस की, समझ में आ गया, लेटरल बॉर्डर, और ये लाइन अभी यहां लिखी हुई भी होगी कि द पोस्टीरियर बॉर्डर प्रोवाइड्स इंसर्शन फॉर ट्रेपीजियस, तो सामने की तरफ लग रहा है डेल्टॉइड और बैक साइड पे पोस्टीरियर बॉर्डर पे लग रहा है ट्रेपीजियस, ठीक है। अच्छा, कोनोइड ट्यूबरकल एंड ट्रेपेजॉइड रिज ये कहां होते हैं, सुपीरियर सरफेस पे या इन्फीरियर सरफेस पे, इन्फीरियर सरफेस पे, दे गिव अटैचमेंट टू द कोनोइड एंड ट्रेपेजॉइड पार्ट्स ऑफ कोरेको क्लाविकुलर लिगामेंट, ठीक है। तो यहां पे ये लिगामेंट्स अटैच होते हैं, दोबारा अगर मैं इस डायग्राम को देखूं, लिगामेंट्स ग्रीन कलर से दिखाएं, रेड कलर में मसल का ओरिजिन है, ब्लू कलर में मसल का इंसर्शन है, और रेड कलर में लिगामेंट्स हैं, कौन से लिगामेंट्स हैं, ट्रेपेजॉइड जो कि ट्रेपेजॉइड रिज पे लगेगा, और कोनोइड जो कि कोनोइड ट्यूबरकल पे लगेगा, कोरेको क्लाविकुलर लिगामेंट के ये पार्ट्स हैं। तो ये इन्फीरियर सरफेस की अटैचमेंट्स हैं लेटरल साइड की, और ये सुपीरियर सरफेस की अटैचमेंट्स हैं लेटरल साइड की। अब मीडियल साइड की बात करते हैं, मोस्ट ऑफ द एंटीरियर सरफेस गिव्स ओरिजिन टू पेक्टोरलिस मेजर, हाफ of the rough superior surface gives origin to the clavicular head of sternocleidomastoid, and the oval impression on the inferior surface gives to a ligament, and the subclavian groove gives insertion to subclavius muscle and also clavipectoral fascia, and the posterior surface close to the medial end gives origin to the sternohyoid। बस ये याद रखने वाली चीजें हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था एनाटॉमी में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो बहरहाल याद रखनी होती हैं, ठीक है। तो बोन देखते हैं और इसको याद रखने की आपको कोशिश करनी है। मीडियल साइड पे जो सुपीरियर सर्फेसिस हैं, सुपीरियर सर्फेस पे आप को जो नजर आ रही है चीजें, आप देख रहे हैं एंटीरियर साइड पे आपको पेक्टोरलिस मेजर नजर आ रहा है, पेक्टोरलिस मेजर, पोस्टीरियर साइड पे आपको स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड नजर आ रहा है। अगर इंफीरियर सरफेस पे चले जाएं तो यहां पे कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट आपको नजर आ रहा है, और स्टर्नोहायोइड मसल और पेक्टोरलिस मेजर मसल्स। तो ये दीज आर द थिंग्स व्हिच यू नीड टू रिमेंबर, ठीक है, ओके। सबक्लेवियन वेसल्स एंड डिविजन ऑफ द ट्रंक्स ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस पास टूवर्ड्स द एक्सिला लाइंग बिटवीन द इन्फीरियर सर्फेस ऑफ द क्लेविकल एंड अपर सर्फेस ऑफ द फर्स्ट रिब। ये इंपॉर्टेंट चीज है बॉस। देखो अगर मैं यहाँ पे स्टर्नम बना रहा हूँ, दिस इज द स्टर्नम, और ये है क्लेविकल, और ये है फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट रिब, ठीक है, और ये फिर आगे बंदे का पूरा अपर लिम्ब होगा, और ये पोर्शन एक्सिला होगा, तो यहाँ से, और ये नेक होगा ऑब्वियसली ऊपर, नेक रीजन, नेक रीजन में से सर्वाइकल प्लेक्सस, आपको मैंने पहले भी बताया था जब नर्वस सिस्टम बता रहा था कि यहाँ पे जो प्लेक्सस बनते हैं वो सप्लाई करते हैं अपर लिम्ब को, ब्रेकियल प्लेक्सस, ठीक है। तो उसकी जो नर्व रूट्स हैं और ट्रंक्स हैं वो गुजरती हैं बिटवीन द क्लेविकल, हियर इज द क्लेविकल
क्लेविकल एंड दिस इज द फर्स्ट रिब, उसके बीच में से गुजरती हैं वो, ठीक है, और फिर जाती हैं एक्सिला में और अपर लिम में, यानी ये जो पोर्शन है ना बॉस, जिसमें ऊपर है क्लेविकल और नीचे है फर्स्ट रिब, अगर ये किसी वजह से कंप्रेस हुआ, फ्रैक्चर हुआ, कोई भी प्रॉब्लम हुआ, तो ब्रेकियल प्लेक्सस की नर्व ट्रंक्स डैमेज हो सकती हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्लिनिकल पॉइंट है कि जितनी भी सब क्लेवियन वेसल्स हैं और डिविजन ऑफ द ट्रंक्स ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस हैं, वो इसी जगह से गुजर रही होती हैं। ओके, राइट, न्यूट्रन फॉरमेंट ट्रांसमिट्स अ ब्रांच ऑफ द सबस्कैपुलर आर्टरी, ठीक हो गया जी, याद रखने वाली बात है, कोई ऐसा मसला नहीं है। ऑसिफिकेशन मैंने आपको बताया, इज द फर्स्ट बोन टू ऑसिफाई, ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ इट ऑब्वियसली ऑसिफाई इन मेम्ब्रेन एक्सेप्ट फॉर द मीडियल एंड, ठीक है, इट ऑसिफाइज फ्रॉम टू प्राइमरी सेंटर्स ऑफ ऑसिफिकेशन, ये बात भी हमने ऊपर डिस्कस की थी। Now, two primary centers appear in the shaft between 5th and 6th weeks of intrauterine life and they fuse at about 45th day. The secondary center of ossification for the medial end appears 15 se 17 saal mein and fuses with the shaft 21 se 22 saal mein. Kabhi kabhar there may be a secondary center for separately for the acromial end. To ye diagram batayi hui hai, isme do primary centers of ossification hain, inke timings appearance ke aur fuse hone ke aapko yaad rakhne hain, aur secondary सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन की लोकेशन। एनाटॉमी में बहुत सारी चीजें बॉस वो होती हैं जो आपको याद करनी होती हैं, रट्टा लगानी होती हैं, सो यू नीड टू रिमेंबर दैट। अब आइए जी क्लिनिकल एनाटॉमी, क्लेविकल के बारे में एक बात बताऊं, इट इज द, ये सुन लो गौर से, इट इज द मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर्ड बोन ऑफ द बॉडी, मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर्ड बोन ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो मतलब चूंकि सब कुटेनियस है ना, इसके ऊपर मसल्स वगैरह नहीं है, कोई कवरिंग नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं है, तो सबसे ज्यादा कॉमनली यही फ्रैक्चर होती है बॉस, ठीक है। अच्छा, कहाँ फ्रैक्चर होती है ये मैं ये भी बता दूं, देखो इसका मैंने बताया था मीडियल एंड कॉन्वेक्स होता है और लेटरल एंड कॉन्केव होता है, तो एट द जंक्शन ऑफ द मीडियल एंड लेटरल एंड्स, ये मीडियल और लेटरल जो कर्वेचर्स हैं शाफ्ट के, उसके जंक्शन पर मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर्ड है। द क्लेविकल इज मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर्ड बाय फॉलिंग आउट स्ट्रेच हैंड, बाहर की तरफ हाथ निकला हुआ और कोई बंदा गिर जाए तो फ्रैक्चर हो सकती है ये। द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द फ्रैक्चर इज द जंक्शन बिटवीन द टू कर्वेचर्स ऑफ द बोन विच इज द वीकेस्ट पॉइंट, ठीक है ना। तो जहां पे ये कॉन्वेक्स एरिया और कॉन्केव एरिया का जंक्शन है, यहां पे ये फ्रैक्चर सबसे ज्यादा कॉमन है। नाउ द क्लेविकल्स मे बी कंजेनाइटली एब्सेंट, बाज़ोकात होती नहीं लोगों में, इट्स अ डिजीज कॉल्ड क्लाइडोक्रेनियल डिसऑर्डर, इन दिस कंडीशन द शोल्डर ड्रूप्स। अच्छा, फ्रैक्चर में भी ना शोल्डर गिर जाता है, होता ही है कि देखो ये इसका मीडियल एंड होगा, ये इसका लेटरल एंड होगा, बंदे का हाथ बाहर निकला हुआ होगा, खेलते खेलते गिर गया होगा, तो यहां फ्रैक्चर हो गया, ठीक है, इट्स द वीकेस्ट पॉइंट। अब होता ही है कि चूंकि यहां पे पूरे अपर लिम के मसल्स लगे हुए हैं इंफीरियर सर्फेस पे, अपर लिम के वेट की वजह से क्लेविकल नीचे डिस्प्लेस कर जाती है लेटरल साइड से, और मीडियल साइड पे चूंकि स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड होता है तो ये थोड़ा सा ऊपर डिस्प्लेस कर जाती है, और ये डिस्प्लेसमेंट खतरनाक हो सकती है। मैंने आपको बताया था यहां पे क्लेविकल और फर्स्ट रिप के दरमियान क्या चीजें थी, ब्रेकियल प्लेक्सस की नर्व्स थी, तो अब देखो ये फ्रैक्चर होकर के इसको डैमेज कर सकता है ना, इसलिए मैंने बताया था कि फ्रैक्चर के साथ साथ आसपास जो उसके स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके बारे में पता होना जरूरी है। सो क्लेविकल इज द मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर्ड बोन, ये पता होना चाहिए, कहां फ्रैक्चर पॉइंट कॉमन है, एट द जंक्शन ऑफ द मीडियन एंड द लेटरल थर्ड, ठीक है, तो इसके जंक्शन पे कॉमन है, और लेटरल पार्ट कहां डिस्प्लेस करता है, नीचे की तरफ अपर लिम के वेट की वजह से। तो ये बातें अगर आपको सारी समझ में आ जाती हैं तो दिस इज ऑल अबाउट क्लेविकल। अब हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे अगली बोन जिसका नाम होगा स्कैपुला। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।